माँ जगदम्बिका, आप कहाँ हैं? मुझे आपके दर्शन दीजिए। हे माँ, अब आप ही इस अनर्थ को टाल सकती हैं। हे माँ, आज आपको आना ही होगा, अन्यथा आज से कान्हा कभी बांसुरी नहीं बजाएगा। मैं आ गई कृष्णा, किंतु आप मुरली बजाना कभी बंद मत करना, क्योंकि आपकी मुरली के मधुर स्वरों से समस्त जगत के दुखों का नाश होता है। मेरे आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास समस्या का कोई हल नहीं है, इसीलिए संकोचवश में नहीं आई। किंतु माँ, आप ही ने तो महिषासुर का वध कर तीनों लोगों की रक्षा की थी, और इसीलिए आपको महिषासुर मर्दिनी कहा गया। और अब महा महिषासुर, जो कि महिषासुर के अंश से बना है, वो संकट बनके हमारे धरती लोक पर आ गया है। माँ, अब आपको हम सबकी रक्षा करनी होगी। मैं महा महिषासुर को नहीं रोक सकती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी तपोशक्ति दी है, जिसके कारण सूर्यास्त तक उसका वध करना संभव नहीं है। किंतु माँ, सूर्यास्त तक तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए माँ। इसका उपाय यदि किसी के पास है तो वो है नारी। एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है।